और समय के साथ साथ दोस्तों फील्ड में भी काफी बदलाव हुए। पहले जो क्रीज रहता नहीं है वो ना बहुत पहले ही हो गया, मतलब बहुत बड़ा ही नुकसान हो गया, क्या ही बोले, मतलब मेरी ही लापरवाही है। और ठीक इसी के ऊपर दोस्तों प्राथमिक विद्यालय है यानी 5वीं तक की स्कूल है। माँ मेरे से बहुत नाराज हो रही है दोस्तों, क्योंकि ना पूरा का पूरा दोस्तों बैग छान मार लिया, पूरा का पूरा मैंने अपना वॉलेट छान मार लिया। आगे सुमित भाई को भी बधाइयां देते हैं, सुमित भाई की भांजी हो गई है, मामा बन गए सुमित भाई, कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद भाई। बाकी यहीं से ना एक रास्ता जाता है दोस्तों सामने की तरफ, तो ये जाता है ठीक डांडाखिल गाँव में। डांडाखिल गाँव जो है दोस्तों यहीं पे। इसका मैं क्या करूँ, कुछ नहीं, कटिंग देखो भाई, वाह ये क्या बना रखा है त्रिशूल। अरे मैंने बोला था उसको सीधा। आज की वीडियो की शुरुआत दोस्तों ठीक अपने गांव से। कल हम दोस्तों ठीक शाम को ना गांव पहुंच गए थे, ठीक रात हो गई थी, मतलब पहुंचते पहुंचते सुबह सुबह का माहौल है। माता जी की मॉर्निंग हो गई है, गुड मॉर्निंग माता जी। गुड मॉर्निंग, क्या राम राम, क्या हाल चाल है? वही चमड़ी वही खाल है। अच्छा वही चमड़ी वही खाल है, तो धूप सेक रहे हो क्या सुबह सुबह की? सुबह के धूप सेकना अच्छा होता है। अच्छा अच्छा होता है, अच्छा 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 ऐसी बात है, अच्छा ऐसी बात है, चलो बहुत बढ़िया। माँ ने भी बोल दिया है दोस्तों कि सुबह सुबह की धूप ना बड़ी प्यारी रहती है, तो चलिए इसी प्यारी धूप के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। ठंडी ठंडी हवा, ताजी ताजी हवा हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। अच्छा ठीक है, तुम तो सोए रहो हम तो उड़ जाते हैं, सुबह ठंडी हवा भी लेते हैं और सुबह की ताजी किरण भी लेते हैं। पारस भाई भी दोस्तों सुबह सुबह देखो पता नहीं कहाँ की तैयारी हो रही है, शायद वज्रों की तैयारी हो रही है पारस भाई। अभी जो अपने खूबसूरत पहाड़ क्या है दोस्तों वो ना बिल्कुल देखो धुंध से ढके हुए हैं, सामने देखो क्या भयंकर वाली धुंध लगी हुई है। तो आजकल का जो मौसम रहता है दोस्तों वो बिल्कुल ऐसा ही है भाई, बिल्कुल धुंध वाला। बुआ जी ने तो नाश्ता करके भाई बर्तन वगैरह भी सभी धो दिए हैं, माँ ने भी अपनी ड्रेस चेंज कर दी है भाई, ये ड्रेस अलग रहती है घास काटने के लिए, ये देखो है ना घास काटने वाली ड्रेस अलग है। ठीक है ठीक है दोस्तों, नाश्ता वगैरह करते हैं। नाश्ते में देखो यहाँ पे कद्दू की सब्जी बनी हुई है, आजकल भाई दोस्तों लगातार भाई कद्दू ही कद्दू खाने पर लगे हुए हैं। साथ में अपनी चाय, तो फटाफट से ना आप चाय का आनंद, साथ में अपनी चाय तो फटाफट से ना नाश्ते का आनंद वगैरह लेते हैं। तो चलिए जी अभी अपना नाश्ता वगैरह भी हो गया है, वही तो आरफ सिंह की स्कूल जाने की तैयारी और रोते रोते स्कूल जाता है भाई ये बंदा भी। गुड मॉर्निंग ताऊ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? कहाँ घूम रहे हो? कहीं नहीं। कहाँ चल रही है आज की गश्त? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसी खाली बैठे हुए, खाली खाना खाओ पियो सो जाओ। मैं क्या खाना खाओ सो जाओ, अरे मतलब मजे आ रखे। चलो बढ़िया बढ़िया, घास वगैरह पूरा कट गया ना? सब कुछ हो गया, घास वगैरह सब सब हो गया। चलो बढ़िया, अब आराम करो, बिल्कुल खाएंगे पियेंगे सो जाएंगे। हाँ सही बात है, पैसे भी नहीं है, झाड़ी भी नहीं आ रही है, जो झाड़ी भी काटेगा वो भी नहीं आ रही है। अरे यार आजकल तो सब जेब ढीली है ना, जेब मेरी भी ढीली है, आपकी भी ढीली है, सभी की ढीली हो रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, खर्चा पानी है नहीं, कहाँ जाना घूमने के लिए, जिनके पास खर्चा पानी होगा वो जाएगा, जिसके पास नहीं होगा कहाँ से जाएगा। सही बात है सही बात है, जिसके पास नहीं होगा हमारी तरह घर में रहेगा। हाँ अब बीड़ी खाने के लिए पैसे नहीं, किसके पास जाएंगे बीड़ी पिला भाई, वो बीड़ी पिलाएगा तो बीड़ी पिलाएगा वो, हमारी नौकरी थोड़ी हम हमारे को बार बार बीड़ी पिलाएगा। सही बात है सही बात है, बिल्कुल है ना। अब बोलने में शर्म लगता है, दुकान जाने में शर्म लगता है, कितने उधार करेगा कितने खाएगा, वही तो सब झाड़े युवा हो जाएगी, फायदा क्या है, फायदा क्या है। सही बात है, पहले उधार करते रहेंगे फिर बाद में दिहाड़ी आएगी तो सब वही देनी पड़ेगी, तो क्या फायदा फिर है ना। जेब खाली, जेब खाली, इससे अच्छा चुप रहो चुप रहो। सही बात है, क्या करना है। अब सोच रहा हूँ बिड़ी गिले जाऊंगा तो किसके पास जाऊँ, वहाँ भी उधार हो रखा है, वहाँ भी उधार हो रखा है, अब खर्चा पानी कहाँ से दूंगा। सही बात है, चार 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 सौ देने, चार सौ सो देने, फायदे क्या है, वही तो उधार कम से कम है। सही बात है, इसलिए तो रहो
खाओ पीवा सो जाओ सो जाओ धूप सेको और अब मौसम भी खराब होने वाला है खराब होने वाला है हाँ हो जाएगा ये दो दिन के बाद बारिश आ जाएगी भरत सिंह की लड़की की शादी है तब आएगी बारिश 17-18 तारीख को ठीक तब शादी में जाओगे मतलब है ना बढ़िया शादी में जाएंगे बस क्या करें बढ़िया सो जाओ सही बात है जितनी खाती उतनी पियो जितनी खाती उतनी नीचे गिर जाओ बात छोटी कर बिल्कुल बाकी क्या है अब अपनी लेटो राम से मिली अब लेटो राम की भी तैयारी हो गई है घास के लिए जाने की ये थोड़ी सी लेट जाती है लेटो राम आप लेट क्यों ऐसी और आपके लिए बहुत सारे कमेंट पड़ रहे थे पल आप बाइक की पूजा करने क्यों नहीं आए मंदिर में क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी ना उस दिन हाँ मेरे को बुखार आ रहा था चक्कर आ रहे थे तो मैं उतनी ऊपर नहीं जा पाई इसलिए और जरा ये बता दो कितने बजे उठे उस दिन उठी तो जल्दी थी पर फिर उठ के खाना खा के दवाई खा के दोबारा सो गई और फिर 12 बजे उठी थी हाँ फिर भात खाया अब फिर दवाई खाए यार दोबारा सो गए फिर कब उठी फिर शाम को उठी थी 6 बजे अब फिर खाना खाया अब फिर दवाई खाया फिर सो गए मजे तो तुम्हारी है चलो तब अच्छे से काटना घास है घास वगैरह का जो काम था दोस्तों लगभग कंप्लीट हो गया है बस 2-4 मोह का भी रह गया है मोह से मेरा मतलब है कि 2-4 परिवारों का बाकी ज्यादातर लोगों का तो कंप्लीट हो ही गया है जिन्होंने जल्दी शुरू किया था उनका तो जल्दी निपट गया पर जिन्होंने लेट शुरू किया था उनका भी रह भी गया है और कई बार ऐसा होता है कि किसी का घास बहुत ज़्यादा रहता है तो उनका फिर बचा हुआ है और वैसे तो अब लगभग सभी का कंप्लीट होने ही वाला है अपने पहाड़ों में दोस्तों आप साग सब्जी अब ना दोस्तों पहाड़ों में ना जो साग सब्जियाँ क्या होती है ना तो वो भी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है तो देखो सारी बेलें ना अब लगातार से सूखने लग गई है तो ये करेले की बेल है ये भी सूखने वाली है अब लास्ट जो बच गई है वो लास्ट ना कद्दू की बेलें बची हुई है तो कद्दू की बेलें तो खूब सारी है बट बाकी सारे देखो आप खेत ना थोड़े थोड़े करके सभी खाली होंगे अब जो पहला काम क्या है दोस्तों वो है गौशाला में ना पानी रखने का तो अभी ना पानी लेके जा रहा हूँ ये 2 डब्बे लेके जाने हैं तो चलिए ठीक अपनी गौशाला में पहुँच गए हैं दोस्तों तो ये जो 2 डब्बे क्या है इनको मुझे दूसरे वाले डब्बे में रखना है यानी इस पानी को रखना है बाकी ये रही अपनी गाय माता ये जो डब्बा क्या है दोस्तों ये हमारे गौशाला वाला डब्बा है और इसी में हमें पानी रखना है और डब्बे की कंडीशन में मत जाना डब्बे की कंडीशन यार क्या करे गौशाला का डब्बा है तो ऐसे ही रहेगा यार क्योंकि ये 24 घंटे धूप में रहता है तो मतलब ऊपर से ना जल के फट गया है मतलब बाकी आप मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता है हमारी 2 गाय है ये है काली कमली और ये इसकी बछड़ियाँ हैं और ये हमारी नई वाली बछड़ी है और एक गाय ये है हमारी जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाई थी और ये तो बड़ी खतरनाक है भाई इसके साथ तो मेरा हेड टू हेड ही चलता है देखना अभी हाँ मारने आएगी मेरे को अभी तो नहीं आ रही क्योंकि इसको पता है पानी रखने आया तो आज तो नहीं कर रही ज़्यादा बाकी जो अपनी गौशाला क्या है दोस्तों एक ये वाली रही और एक गौशाला ये रही इसमें हमारे बैल रहते हैं हीरा और मोती रहती है साथ साथ में लालू भी रहता है अब तो बाकी एक गौशाला ऊपर है इसमें हमारी गाय रहती है ये जो टाइम क्या है दोस्तों ये गाय माता होगा ना धूप सेकने का टाइम है तो सभी देखो धूप सेक रहे हैं बछड़िया भी धूप सेक रही है गाय वगैरह भी धूप सेक रही है और अपने गाँव की सबसे डेंजरस जो गाय है ना दोस्तों वो ये वाली है भाई ये हमारी दादी की गाय है और ये इतनी डेंजरस है ना क्या ही बताऊँ ये देखो आजकल दोस्तों काम पे काम ही हो रखे हैं बस अभी तक असूर चल रहा था तो उसके काम चल रहे थे अभी भी चल ही रहा है हमारे लिए तो बट क्या है कि ना अब मुझे ये वाला काम भी निपटाना है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना कि अब ना सारे जितने भी हमारे मिनी खेत क्या हैं वो सब की सफाई होगी और उनमें बुताई होगी जैसे कि ठीक यहाँ देखो इस वाले खेत में देखो खूब सारा लहसुन और राई हो गई है तो वैसे ना इस वाले खेत को भी चमकाना है तो इसका जो काम रहेगा दोस्तों मैं शाम को करूँगा क्योंकि अभी ना धूप हो गई है तो धूप लगेगी गर्मी होगी तो इसलिए इसकी जो सफाई होगी ना वो शाम को करेंगे ये जो सामने वाली बेलें क्या है दोस्तों ये भी ना बिल्कुल देखो सूखने लग गए हैं बट इसी पे अभी भी ना देखो तोरियां वगैरह खूब सारी हो ही रखी हैं साथ साथ में अभी दोस्तों गांव का माहौल देखो क्या सुमसाम हो रखा है ना क्योंकि अभी सभी लोग जा रहे हैं अपने अपने कामों की तरफ धूप भी हो ही रही है और गर्मी भी हो ही रही है और कल ट्रैवल से आए तो कपड़े वगैरह भी हो ही रखे हैं तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पंजरे की तरफ जाया जाए तो पंजरे की तरफ ही निकलते हैं चलो भाई अभी पंजरे में पहुंच गए हैं दोस्तों और 1-2 दिन से हम ट्रैवल में थे मैं और विवेक भाई अभी कपड़े वगैरह धो रहे हैं
बाकी कल आपने विवेक भाई का खतरनाक डांस ब्लॉग में देखा ही होगा, तो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना। विवेक भाई आपके डांस के सभी फैन हो रखे हैं। आजा आजा पंद्रह आजा आजा आजा। तो विवेक भाई सभी पूछ रहे थे बल इस डांस का क्या राज है, बल इंजॉय तो इंजॉय था, तगड़ा डांस करते हो वैसे बल? कभी कभी हमेशा नहीं करते, कभी कभी। अरे वाह, अभी जो कॉल क्या आ रहा था दोस्तों सुमित भाई के आ रहा था, बाकी सुमित भाई को भी बधाइयां देते हैं। सुमित भाई की भांजी हो गई है, मामा बन गए हैं। सुमित भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद भाई जी। पार्टी कब होगी? पार्टी दो दिन बाद ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सुमित भाई का जो लुक है ना आज बड़ा तगड़ा लग रहा है, कटिंग देखो भाई वाह, ये क्या बना रखा है त्रिशूल? अरे मैंने बोला था उसको सीधा करना, उसने यार त्रिशूल बना दिया मैंने। अरे भाई साहब, और ये क्या कर रहा है इधर से? भाई साहब भाई की कटिंग देखो भाई, दोस्तों क्या गजब कटिंग कर रखी है। इस कटिंग का क्या राज है सुमित भाई? इस कटिंग का राज फोटो देख रहे। अच्छा गूगल से? नहीं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से देखी? अरे वाह यार, तो हीरो लग रहे हो यार। टाइम जो हो रहा है दोस्तों वो ठीक 4 बजे का हो रहा है, और पंद्रह से आने के बाद खाना वगैरह खाया और सीधा आ गए हैं दोस्तों अभी भरोली खाल में। ये है दोस्तों भरोली खाल, यहाँ पे है दोस्तों अपना स्कूल जो कि ये रहा भाई, यहीं से हमने 12वीं करी है। फिलहाल यहाँ पे केंद्रा बैंक वगैरह भी है और इसी के ऊपर है बोला फील्ड जहाँ हम खेलने आते हैं। तो अभी फिलहाल सभी भाई लोगों का प्लान बन गया था कि क्रिकेट वगैरह खेलने चलते हैं, तो क्रिकेट वगैरह खेलने ही यहाँ पहुँच गए हैं। बाकी ये जो सामने वाली बिल्डिंग क्या है दोस्तों, ये है पटवारी चौकी, मतलब ये जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त है, बंद है, मतलब इसमें पटवारी वगैरह नहीं रहते हैं। बाकी अपने स्कूल के नज़ारे देखो भाई, क्या गजब के दिखाई दे रहे हैं। और ठीक इसी के ऊपर दोस्तों ये प्राथमिक विद्यालय है, यानी 5वीं तक की स्कूल है, ठीक भरोली खाल के स्कूल के ना ठीक ऊपर ही। और स्कूल में ना दोस्तों गार्डनिंग बहुत अच्छी कर रखी है, फूल देखो यार क्या गजब गजब के दिखाई दे रहे हैं। ये देखो सारे फूल अभी लगा रखे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं भाई। ये रहा दोस्तों अपना बोला फील्ड जहाँ हम लगातार से खेलने आते रहते हैं, परसों भी आए हम, बाकी आज फिर से आ रखे हैं। और अभी फिलहाल अपनी तो बैटिंग आ रही है, तो अपने दोनों भाई लोग अभी खेल रहे हैं क्रीज पे। बाकी ना एक टाइम ऐसा भी था दोस्तों जिस टाइम पे ना लॉकडाउन था, मतलब अब से करीबन 4-4.5 साल पहले की बात है, यहाँ पे ना बोगटे के मैच होते थे। तो बोगटे के मैच ऐसे होते थे कि एक ही बोगटे के मैच में 8-10 टीमें बन जाती थी, फिर 2-3 दिन लग जाते थे एक ही मैच को कम्प्लीट करने में। बाकी ये भाई ने शानदार चौका मार दिया है। और समय के साथ साथ दोस्तों फील्ड में भी काफी बदलाव हुए, पहले जो क्रीज रहती थी वो यहाँ पे रहती थी और अब ना इसको काट दिया गया था, मतलब बीच बीच में इसको काट दिया गया था, तो फील्ड थोड़ा ऊपर के लिए हो गया, पर चलो जो है सही है। बट पहले क्या था पूरा मैदान टाइप का था, ये चैया वगैरह इसमें नहीं था, काफी बढ़िया लगता था यार। कि यहीं से ना एक रास्ता जाता है दोस्तों सामने की तरफ, तो ये जाता है ठीक डांडाखिल गाँव में। डांडाखिल गाँव जो है दोस्तों यहीं पे है, इधर को सैतु खाल है, तो इस वाली गहरी में डांडाखिल है भाई। चलिए जी दोस्तों अभी हम सैतु खाल से भी आ गए हैं और मैच तो हम हार गए, साथ साथ में ना मेरे साथ एक बहुत बड़ा सीन भी हो गया है। और जो सीन क्या हुआ है दोस्तों वो आज का नहीं है, वो ना बहुत पहले ही हो गया, मतलब बहुत बड़ा ही नुकसान हो गया, क्या ही बोले, मतलब मेरी ही लापरवाही है, क्या बोले यार। पूरा का पूरा दोस्तों बैग छान मार लिया, पूरा का पूरा मैंने अपना वॉलेट छान मार लिया, बट जो एटीएम क्या है ना वो ही नहीं मिल रहा भाई। वो जो एटीएम क्या है दोस्तों मेरा नहीं माँ का है, और वो मिल ही नहीं रहा, वो आज नहीं खोया, वो शायद दिल्ली में खो गया था, क्योंकि अभी चाची को फोन किया, चाची बोल रहे हैं बल्कि यहाँ नहीं है। और जिस दिन ना मैं दिल्ली गया था उस दिन मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस भूल गया था और ऐसे ही चला गया था बाइक लेने के लिए, तो मैंने चाची से फोटो वगैरह मंगाई थी, तो उस टाइम पे चाची ने मेरे को वॉलेट खोल के ना फोटो दी थी, तो उस टाइम पे बल एटीएम नहीं था मेरे वॉलेट में, पता नहीं कहाँ गिरा क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा भाई। और मुझे ना ये बात समझ नहीं आ रही है कि इस वॉलेट से ना ये मेरे सारे कार्ड है, देखो एटीएम कार्ड है, साथ साथ में मेरे पास अभी तक ना मेट्रो का कार्ड है, जिस टाइम मैं दिल्ली में जॉब करता था उस टाइम से, ये अब से करीबन 4.5-5 साल हो गए हैं, उस टाइम का कार्ड ये मैंने बना रखा है। जॉब पे जाता था तो दिल्ली से गुड़गांव जाता था तो मेट्रो में ही जाता था, तो ये उस टाइम का कार्ड है, ये तक मेरे वॉलेट में है और ये सारे कार्ड हैं देखो सब हैं। बट क्या हुआ कि इनमें से कुछ नहीं गिरा, सिर्फ मम्मी का एटीएम कैसे गिर गया मेरी ये समझ नहीं आया। इस वॉलेट से भाई इसमें ये सारे हैं और सिर्फ मम्मी का एटीएम कार्ड नहीं है, इतना दिमाग खराब हो रहा है ना क्या ही बताऊँ, एक कार्ड कैसे गिर गया इससे, बस
और ये क्यों नहीं गिरे? अगर गिरना होता तो इनमें से एक तो गिरता, ये हैं और सिर्फ मम्मी का ही मम्मी का। भाई यार क्या ही बोलूं यार, इसका मैं क्या करूं? कुछ नहीं, डंडा ना बाहर से ट्राई करती हूं मैं इसका। माँ मेरे से बहुत नाराज हो रही है दोस्तों, क्योंकि ना एटीएम खो दिया माँ का। सॉरी हाँ सॉरी नहीं, एक दिन की नहीं सॉरी, कितने दिन बोलेगा तू सॉरी? ये दिन तूने 7,000 रुपए खर्चाए, ये दिन तूने एटीएम ही खर्चाया, खर्चाया खो दिया। मैं ये दिन तो 7,000 खो दिए, ये दिन तूने बटुआ खो दिया अपना, और अब तूने वो खो दिया एटीएम। अपनी चीज खो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट घर वालों की जब चीज खोती है ना तो आपको पता ही है फिर क्या बवाल मचता है। घर वालों ने ऐसा सुनाया है ना, ऐसा सुनाया है कि क्या ही बोले। बाकी एटीएम तो मैंने ब्लॉक करवा दिया है, नए के लिए भी मैंने रिन्यू करा दिया है, पर देखते हैं कब तक ये प्रोसेस हो पाती है। तेरे को अब कुछ नहीं देने वाली हूँ, एक रुपये भी नहीं। अरे गलती हो गई यार आजकल ना दोस्तों, मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब नुकसान में नुकसान ही हो रहे हैं। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो कभी कुछ हो जा रहा है। तो तेरा जो बदाना है वो ढंग से नहीं पूछ रखा है। और पता, डर मुझे इस चीज का लग रहा है कि एटीएम खो गया था दिल्ली में, और उसको ब्लॉक मैंने कब करा है, जब मैं घर आ गया था 4-6 दिन बाद। हाँ अब मतलब इतनी लेट ब्लॉक करवाया मैंने, भाई क्या बोले यार, डर भी लग रहा है यार। अब लिटरली बोल रहा हूँ दोस्तों, जो मूड क्या है ना इतना खराब हो गया ना, क्या ही बताऊँ। सबने सुना दिया भाई, माँ ने तो कितना ही सुनाया, बट पापा जी ने और सुनाया। पापा जी की खामोशी से ही लग रहा था